हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और बहुत सारे बच्चों ने मुझको जैसे बीकॉम सेकंड ईयर के कहा, सर आपने तो बहुत और लोगों के पेपर बता दिए। देखिए पेपर क्या, हम लोग तो पढ़ा रहे हैं जहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी एक जगह पे पढ़ा रहे हैं तो एक कुछ पेपर पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने कॉलेज जहाँ पे अभी हम बैठ के आपका पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग पेपर पढ़ा रहे हैं। कुछ जगहों पे थ्योरी पढ़ाने पड़ती है, कुछ जगहों पे न्यूमेरिकल पढ़ाना पड़ता है। अब अपने फेवरेट सब्जेक्ट कुछ है ही हम लोगों के तो वो अलग है, तो ये है। तो अब अपने बोले सर आप अपने सब्जेक्ट वाले बारे में, तो ठीक है बीकॉम सेकंड ईयर के हिसाब से हम अपना सब्जेक्ट भी बता दे रहे हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट का अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, और उसके जैसे पेस्टल क्या है, पेस्ट क्या है, और माइक्रो माइक्रो इन्वायरमेंट बिजनेस का क्या है, इसको अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। और उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम भी ध्यान रखना ज़रूरी है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या इम्पोर्टेंट है वो। फिर आप जो है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, इनका ध्यान रखना है। रीजनल इम्बैलेंस, सोशल इनजस्टिस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पॉलिसी के हिसाब से अगर जो 6 चैप्टर में पॉलिसी दिया उसमें मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी ध्यान रखिएगा, बाकी पॉलिसी में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर जो है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस में आप मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन देख लीजिएगा और WTO और बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, ये 3 ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सोशल इन्वायरमेंट में डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर लीगल इन्वायरमेंट में अगर हम देखिए 4 हैं इसमें, ट्राई, IRDAI, SEBI, ये तीनों रेगुलेटरी बॉडी हैं, ये तीनों का सिस्टम करीब करीब एक ही है, तो ये तीनों में से कोई एक ना एक आती आती है, तो इसको भी देख के जरूरी है जानना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको ये देखना पड़ेगा। ओके, धन्यवाद।